मतलब इस गाड़ी के हैंडल पकड़ के ना मुझे क्या फील आती है यार, मतलब मजा आ रहा है इसको मैंने जब चलाया ना, क्या बल्ले बल्ले चल रही है। और ओल्ड मॉडल है, उल्टे गियर की है, तो हमारे ज़माने की इंजन है। और मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया कि वापसी रिस्टोर ना हो सके, कोई वेल्डिंग के टुच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग, बिल्कुल फ्रेम जेन्युइन है। हेलो ऑल ब्रेड फैमिली, मैं अपनों का कमल आनंद, सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। एक बार फिर हाजिर है आपका अपना कमल आनंद। ये जो जुगाड़ है ना, ये सारे, ये जितना, ये इधर स्प्रिंग, ये इधर, ये सब, ये जितने लाल लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल लाली, एखन मैं गई मैं भी होगी लाल, तो ये सब लेकिन आउट ऑफ दिल्ली रहता है। और इसमें जो है पीछे हमने 15 इंची डाला है, 140 साइज का टायर डाला है, पूरी गाड़ी पेंट जॉब हुआ है, कुछ मैकेनिकल काम हुआ है। और आप जैसे गाड़ी देख रहे हैं कि इसकी हाइट हमने पीछे से थोड़ी डाउन कर दी है, क्योंकि इसकी हाइट भी 5 फुट की है। और ये जो गाड़ी है वो जयपुर जा रही है। और अब हमने जो सेगमेंट बनाया है, कई बार क्या होता था कि पिछली सीट की प्रॉब्लम आती थी, 15 इंची अगर आप डालते हैं पीछे कोई भी साइज का टायर, चाहे वो 130 हो 140 हो, तो हमेशा सिंगल सीटर ही गाड़ी लुक देती है, ये नहीं कि डबल सीटर गाड़ी लुक देती है। अभी डबल सीटर बिल्कुल बुलेट जैसी लुक आ गई इस गाड़ी में, जैसे आप ये देख रहे हैं कि पूरी बुलेट जैसी लुक है, दोनों सीटें लग गई और ये 15 इंची डला हुआ है। तो ये एज़ पर हाइट, मैं एक बार चाहूँगा कि जैसे ये मैंने गाड़ी उतारी तो अब इसकी हाइट जो है बिल्कुल पीछे से छोटी सी हो गई इस तरीके से। अब ये मॉडिफिकेशन वाली कोई इसमें जो है लुक नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी च्वाइस है वैसे हमें काम करना पड़ता है। आप जैसे देख सकते हैं इस गाड़ी में,
और अच्छी बनी है। मैट ब्लैक इंजन किया है, पूरा पेंट जॉब हुआ है, एक्सेसरीज हुई है, दोनों अलॉयज जले हैं। फ्रंट का टायर जो है 90-90-19 है, 110-90-19 नहीं है। और इस टाइप की मॉडिफिकेशन पे, जैसे ये प्रॉपर जिसको कहेंगे ना कि हमने इसको प्रॉपर बनाया है कि वो उसको कहीं पे भी ले जाए, चाहे उन्होंने अगर लद्दाख का टूर मारना है तो लद्दाख का टूर मार ले, कहीं पे भी चले जाए, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दोस्तों, इस गाड़ी में काफ़ी मेहनत हुई, इसमें जो सीट सिस्टम बना ये पूरा डी बना। इस सीट को आप देख सकते हैं, पीछे मडगार्ड की जो स्टाइल आई है, साइड नंबर प्लेट आई है, इसमें साइलेंसर भी जो है हमने रेप्लिका यूज़ किया है, इंजन मैट ब्लैक हुआ हुआ है, पूरा टैंक पेंट हुआ, पूरी गाड़ी खुल के पेंट हुई, पूरी गाड़ी रेडी हुई, मतलब एक एक नट बोल्ट, ये पूरे जो नट बोल्ट हैं सब नए लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पुराना नज़र आए। और इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन पे तो खर्चे आ जाते हैं 40-45 हज़ार रुपये के आसपास, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसकी मैकेनिकल जो काम होते हैं। जब गाड़ी आती है तो लोग कहते हैं भाई साहब हमारी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं और काफ़ी चीज़ें नोटिस करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। जैसे इसका कार्बोरेटर आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू डाला है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई डली हैं, इसमें हॉर्न्स डले हैं, इसमें हेडलाइट्स डली हैं। मॉडिफिकेशन प्लस जब आप एक्सेसरीज कर लेते हैं तो आपका खर्चा फिर वो बढ़ता चला जाता है। अब इसके अंदर जैसे ये जो पीछे का व्यू है इसका, ये बड़ा शानदार है, इसकी ये जो चीज़ आई है ये बड़ी शानदार आई है। और इसमें जो ये ग्राफिंग है वो भाई ने बताए थे जिनकी गाड़ी है कि मुझे ऐसी चाहिए, तो इस तरीके की हमने फिर ये रॉयल एनफील्ड लिखवाया, ये लेग गार्ड, ये सब जो एलॉयज, और ये आप 110 डाल देख रहे हैं। फ्रंट की जो ये एलईडी है जिस पर रॉयल एनफील्ड लिखा है, ये जो है वही हमारी स्टेनलेस स्टील वाली नंबर प्लेट है, और उसमें इसमें इंडिकेटर भी जो है ब्लिंक करता है। तो और ये जो हेडलाइट लगाई है हमने 90 वॉट की लगाई हुई है इसमें, और शॉर्ट मडगार्ड है। मडगार्ड की फिटिंग बहुत लोग परेशान होते हैं, देखिए इस तरीके की मॉडिफिकेशन अगर आप मडगार्ड लेके जाते हैं कहीं से लेते हैं तो आपको इस तरीके से फिटिंग करवानी पड़ेगी मडगार्ड्स की। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप इंजन को मैट ब्लैक करते हैं, कई लोग क्या करते हैं खाली वो बॉटल से पेंट कर देते हैं, ये बॉटल वाला पेंट नहीं है, दिस इज़ पाउडर कोट। और कई बार हीट होने पे थोड़ी सी पाउडर कोट हटती है तो उसको हम टचिंग कर सकते हैं। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका 3 इंच का जो स्विंग आर्म है वो लॉन्ग किया गया है, तभी इस गाड़ी की लुक बनी है। ये थोड़ी सी गाड़ी पीछे से लंबी हो गई है, उसी तरीके से ये गाड़ी भी पीछे से हमने 3 इंच लंबी की है। और इसका बैक पोर्शन बड़ा शानदार लग रहा है इस गाड़ी का भी, जैसे ये मैं यहाँ से इसको टर्न करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों इसका जो बैक पोर्शन है बहुत सुंदर है। सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करता रहता हूँ कि इतना खर्चा आता है, इतना सब कुछ होता है। आइए सबसे पहले इसके सिनेमैटिक एंजॉय करते हैं, दोनों गाड़ियों के सिनेमैटिक। जैसे इसके अंदर तो लाइट जो है ना भाई की पसंद थी कि भूत लगा दो, हमने कहा ठीक है भाई भूत लगा देते हैं। इसमें जो है डिफरेंट मॉडल की इसमें हमने टेल लगाई हुई है, जो टेल लाइट है। और गाड़ियाँ आपके सामने हैं, जिनको अच्छी लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कमल भैया गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, गाड़ियों में कमी लगे तो मुझे वो भी बताएं कमल भैया इन गाड़ियों में ये कमी लग रही है। तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो भाई हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड का एक परिवार बन गया है, उनको हर एक चीज़ की समझ आती चली जा रही है और वो मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों गाड़ियाँ, दोनों बच्चे जिनको हमने बड़े दिल से रेडी किया है, कहने वाले कुछ भी कहें लेकिन जब गाड़ी तैयार करनी पड़ती है ना तो बहुत चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिसके अंदर काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन जब गाड़ी रेडी होके बच्चा ऐसा बन के आता है तो दिल खुश हो जाता है, यार वाह क्या गाड़ी बनी है। पहले दोनों गाड़ियों के सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, फिर मुलाकात करता हूँ। मैं हूँ अपनों का कमल आनंद।
सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये गाड़ी कैसी लगी सबसे पहली बात है, ये पंजाब की बुलेट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो खर्चा है नियर अबाउट पूरी गाड़ी बनाने का वो 1,00,000 से लेके 1,20,000 के आसपास आया है, जिसमें इंजन ओवरऑल टायर अलॉय मतलब एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड करके। मिलते हैं जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज के साथ। मैं अपनों का कमल आनंद, वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।